नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। केंद्र और राजस्थान सरकार के दबाव और एनजीटी की सख्ती के बाद पंजाब की फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी राजस्थान आ रहा था उस पर अब रोक लगी है। पंजाब अपनी नदियों में फैल रहा जल प्रदूषण रोकने के लिए तैयार हुआ है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लुधियाना क्षेत्र की प्रदूषण फैलाने वाली 44 डाइंग फैक्ट्रियों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक इन फैक्ट्रियों को तब तक नहीं चलाया जा सकेगा जब तक इनकी ओर से फैलाए जा रहे प्रदूषण की रोकथाम के पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाते हैं। आपको बता दें कि 8 महीनों में इस मामले में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। पंजाब में इन फैक्ट्रियों को बंद करने के नोटिस जारी होने से पहले पिछले साल नवंबर में पंजाब पर एनजीटी ने 50 करोड़ का जुर्माना लगाया था। तब कीड़ी अफगाना की शुगर मिल का शीरा नदी में बहने से पानी प्रदूषित करने पर जुर्माना लगाया गया था और पंजाब को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलाने के लिए निर्देश दिए गए थे। पंजाब की औद्योगिक इकाइयों के पानी और अपशिष्टों से जल प्रदूषित करने और राजस्थान की नहरों में आ रहे इस पानी से श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में दुष्परिणाम के मुद्दे को इंडिया न्यूज राजस्थान ने प्रमुखता से उठाया था। इस मामले में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के किसान आंदोलन कर रहे थे और अब इन आदेशों के बाद यहाँ के किसान और युवा भी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस फैसले से राजस्थान के 8 जिलों के करोड़ों लोगों को पंजाब से मिल रहे दूषित पानी से निजात मिलेगी। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। बिल्कुल, जहरीले पानी को लेकर जिस तरह से लोगों में रोष था और उस रोष को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से उठाया और इस जो जन आंदोलन अब इस जहरीले पानी के खिलाफ बन रहा है उसको और बुलंद किया, इसके लिए हम इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज पंजाब सरकार से खबर आई है, पंजाब पोल्यूशन बोर्ड ने 44 फैक्ट्रियों पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, लेकिन किस तरह से ये प्रतिबंध लगता है और किस तरह से ये आदेश अमल में आते हैं हम उसका इंतज़ार करेंगे, लेकिन आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। अभी 24 तारीख को सूरतगढ़ से एक जन जागृति अभियान का शुरुआत हो रही है और 9 अगस्त को जिला मुख्यालय पर पड़ाव डाला जाएगा। उसी कड़ी में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पैदल मार्च करते हुए भी जिला मुख्यालय पर आएंगे और इस जन आंदोलन को हम और उग्र रूप देंगे। जिस हाँ, इंडिया न्यूज ने मुहिम चलाई उसके लिए धन्यवाद। आज शहर के अंदर हर बच्चे को इस बात का पता चल चुका है कि पंजाब से हमारे यहाँ जहरीला पानी आ रहा है, इसके लिए हम इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सारे जिले के अंदर क्या पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को जन जागरण की तरह फैला दिया। और आज जो पंजाब से अब हमें न्यूज़ मिली है कि जी इस तरह करके हमने 40 फैक्ट्रियों के ये लाइसेंस जो हैं बंद कर रहे हैं, ये है वो है, परंतु हमें विश्वास नहीं है क्योंकि हमारे साथ इससे पहले भी धोखे हो रहे हैं। रोज़ कह रहे हैं जी हमने पाकिस्तान पानी जाना बंद कर दिया, हमने पाकिस्तान पानी जाना बंद कर दिया, जबकि रोज़ हजारों क्यूसेक पानी आज भी जा रहा है। और उसी तरह ये मुहिम को ये पंजाब के अधिकारी और गवर्नमेंट जो है मीठी रोटी खिलाने वाली बात कर रही है, परंतु इसमें जहर है। जब तक ये जहर पूर्ण रूप से बंद नहीं होगा हम इस आंदोलन को कभी भी किसी भी रूप में वापस नहीं लेंगे। हम लोग इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जन आंदोलन चला, जन आंदोलन पहले भी चले थे लेकिन इस बार इंडिया न्यूज़ की वजह से ये जन आंदोलन बड़े पैमाने पर दिल्ली के दरवाज़ों तक गया और जयपुर भी इंडिया न्यूज़ की वजह से इसका बड़ा असर रहा और जन आंदोलन मजबूत होकर के उभरा और उसी का परिणाम है कि आज 44 फैक्ट्रियाँ पंजाब के पॉल्यूशन बोर्ड ने बंद की है। और हम लोग चाहते हैं भी आगे भी आंदोलन चलता रहेगा और इसमें इस प्रकार से मीडिया का यदि सहयोग रहता है, इंडिया न्यूज़ का सहयोग रहता है तो जन आंदोलन जरूर कामयाब होगा। ये जनता के हित में किया जाने वाला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होगा। तो आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर एक नजर डालते हैं। क्या पंजाब सरकार के निर्देश के बाद राजस्थान को मिलेगा साफ पानी? ये सवाल है। एक और सवाल, क्या राजनीति के चलते राजस्थान के लोगों का शोषण होता रहा? इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ, सिर्फ राजनीति हुई। क्या एनजीटी के निर्देश पर पंजाब सरकार ने दबाव के बाद माने हैं? क्या एनजीटी के निर्देश पंजाब सरकार ने दबाव के बाद माने हैं? क्या राजनीति के चलते राजस्थान के लोगों का शोषण होता रहा?
क्या पंजाब सरकार के निर्देश के बाद राजस्थान को साफ पानी मिलेगा? तो ये सवाल और इन्हीं सवालों के बीच आज बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करेंगे। तो चलिए बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करेंगे। कई सारे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा परिचय मैं आपको उनसे करा दूं। मेरे साथ अमित गोयल हैं, बीजेपी से नेता। अमित गोयल जी, आपका स्वागत है मेरे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। रामेश्वर वर्मा है, माकपा से नेता। रामेश्वर वर्मा जी, आपका स्वागत है। और मेरे साथ जलसेना से अध्यक्ष हैं राम सिंह कस्बा। राम सिंह कस्बा जी, आपका स्वागत है। और साथ ही स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सलाहकार संपादक प्रताप राव। प्रताप जी, आपका भी स्वागत है। प्रताप जी, आप भी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ बड़ी बहस की। सर, किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल पराग, पिछले लगभग दो सप्ताह से जिस तरह से गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में जिस तरह का आंदोलन चल रहा था, और निश्चित तौर पे लंबे समय से वहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या थी, गंग नहर और राजस्थान नहर में जिस तरह से जहरीला पानी पंजाब के द्वारा आ रहा था, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ इसके कारण बड़ी मात्रा में कैंसर फैल रहा था, तमाम दूसरी तरह की बीमारियाँ हो रही थी, लोगों को मजबूर होकर वो गंदा पानी पीना पड़ रहा था। असलियत में गंग नहर और राजस्थान नहर के जरिए ही जो पानी आता है उसका पेयजल के लिए भी उपयोग किया जाता है पराग। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि, और जमीन का पानी भी, क्योंकि वो पानी नहरों के द्वारा जमीनों में जाता है, उसी से अनाज उगता था, उन अनाज में भी इस तरह का जहरीला पानी का उपयोग होता था। दूसरा, जमीन में भी वो जब जाता था तो भूमि के जल को भी वो जहरीला कर रहा था। पिछले कई समय, लंबे समय से हो रहा था, बीच बीच में आवाज भी उठी, बीच बीच में लोगों की मांग भी उठी, लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन कभी कोई बात नहीं बनी। सरकारें आई गई, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन समस्या जस की तस रही। इस बार गंगानगर के लोगों ने ठान लिया था, उसके साथ इंडिया न्यूज ने जब मिलकर आवाज उठाई, तो अल्टीमेटली एक बात तो सही है कि इस बार कम से कम केंद्र सरकार हरकत में आई। और केंद्र सरकार ने, जिस तरह से केंद्र के मंत्री ने, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाकर सीधे साफ तौर पर कहा कि NGT के निर्देशों को लागू करो, नहीं तो केंद्र सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी, उसका एक परिणाम था कि एक सप्ताह के अंदर ही जो कम से कम पंजाब सरकार ने उन फैक्ट्रियों को बंद करने के निर्देश दिए। इसका मतलब यह है पराग, साफ साफ बात यह है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति में पिछले डेढ़ दशकों से कहीं ना कहीं कमी थी। जो तमाम नेता आए, तमाम नेतृत्व आए, सरकारें बदली, सरकार आई, सरकार गई, राजनीतिक नेतृत्व भी आया, बातें उड़ती रही, वोट पढ़ते रहे, वोट मांगते रहे, आश्वासन देते रहे, लेकिन समस्या तस की जस की तस रही। पहली बार ऐसा हुआ गंगानगर के और हनुमानगढ़ के लोगों की आवाज इस बार दमदार तरीके से उठी। ये केवल उन दो जिलों की बात नहीं है, ये जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक जो ये पानी जाता है उन सब लोगों के लिए एक जीवनदायी नहर का काम करती है। उस नहर में अगर जहर परोसा जाता है तो एक सवाल था सरकार के ऊपर भी। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से गंगानगर के लोगों ने, आंदोलनकारियों ने कहा, साफ तौर पे बात सही है कि सरकार ने आश्वासन तो दे दिया, निर्देश भी दे दिया, अब देखना यह है कि सच्चाई और हकीकत क्या होगी, क्या वो बंद होंगी फैक्ट्रियां, क्या जहरीला पानी बंद होगा। ठीक है, राम सिंह जी, क्या उम्मीद है पूरी तरह से कि जहरीला पानी बंद हो जाएगा और जो लगातार बीमारियां पनप रही हैं वो अब बंद होंगी? जो कार्रवाई है वो भी जितनी जल्दी किया जा सकता है उतनी जल्दी इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, और जरूरत इसलिए है कि उस जहरीले पानी से नए आदमी, पशु पक्षी सभी उससे इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो जहर पिलाया जा रहा है, उस जहर से पूरी ज़मीन खराब हो रही है। और इस काम के लिए मैं इंडिया न्यूज़ चैनल को साधुवाद दूंगा कि आप लोगों ने इसको बड़ी प्रायोरिटी से लिया है और इस पर गंभीरता दिखाई है, और उस गंभीरता का और उस आंदोलन का ये परिणाम रहा कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई को जितना जल्दी एग्जीक्यूट किया जाए उतना ही कम है, और इसको विशेष ध्यान इसलिए देने की जरूरत है कि राजस्थान में विधानसभा चल रही है और दिल्ली में लोकसभा चल रही है, ऐसी जो समस्याएं होती हैं उसको महत्वपूर्ण रूप से लेके और उसका समाधान करने की जरूरत है। इस पानी से देखिए जो कैंसर फैलता है वो इतनी तेजी से फैल रहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसका, और हमारा राजस्थान का तो मतलब जो मरुस्थल क्षेत्र है वो 8 जिले सारे इसी से चिंतित भी होते हैं, और पीने का पानी भी यही है, और यदि ये पानी जहरीला होगा तो लोगों की क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हो। इसलिए इस पे इतनी गंभीरता जितनी आपने दिखाई है, बाकी चैनलों को और बाकी लोगों को भी इसको दिखाने की जरूरत है। उसके साथ साथ ही क्या है, राजस्थान में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी साथ मिलके
पानी का जो इश्यू है उस इश्यू पे राजस्थान के लोगों को, राजस्थान की पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतना बड़ा इश्यू है। पानी बहुत कम है राजस्थान में, है वो भी जहरीला है, उसमें बाकी जो ड्रिंकिंग वाटर है, ग्राउंड वाटर है, उसमें फ्लोराइड है। तो ऐसी जो समस्या है, इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति करने के बजाय सबको मिलजुल के इसमें काम करने की जरूरत है। ठीक है अमित गोयल जी, क्या अब तक राजनीति हो रही थी इस मुद्दे पर, सही कार्रवाई अब हुई है? देखिए मैं समझता हूँ ये राजनीति का इशू नहीं है, नहीं सर इशू तो नहीं है, लेकिन क्या राजनीति हो रही थी ये मैं पूछ रहा हूँ। अरे मैं अपनी बात पूरी कर दूं राज भाई आराम से पहले जी, मैं कह रहा हूँ ये राजनीति का नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का इशू है। कारण यह है कि निश्चित रूप से बहुत सारी सरकारें आई और गई, सरकारों के मुख्यमंत्री मिले, आपस में पत्राचार हुआ, बहुत सारी बातें हुई, और इस बार भी एनजीटी का आदेश आया, हो सकता है वो एनजीटी का आदेश आज भी धूल फांक रहा होता। लेकिन हमारे एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी कि धरती को, गंगा को धरती पे आना था और नाम सागर का होना था। कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रकृति और ईश्वर किस बात का श्रेय किसको देगा ये उसने तय किया हुआ है। और आप ये मान के चलिए जो लंबे समय से ये परेशानी चल रही थी और लोग इससे बहुत परेशान थे, मैं समझता हूँ ईश्वर ने मौका नरेंद्र मोदी जी को दिया है और मौका दिया है हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को, जो राजस्थान के एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर हमेशा आसपास रेगिस्तान है, तो पानी की कीमत को समझते हैं और किसान है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार जो शक्ति पंजाब सरकार ने दिखाई है उसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो मैं समझता हूँ गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी को जाता है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जाता है। कारण यह है कि एनजीटी के आदेश के आने के बाद में हमारे माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल बाकायदा दिल्ली में मुलाकात की पंजाब के मुख्यमंत्री को बुला के और निश्चित रूप से जो कार्रवाई कुछ कहना चाह रहे हैं सुन लीजिए अमित जी, एक राजनीतिक मसले को आप आध्यात्मिक बता रहे हैं, क्या चतुर्मास के कारण यह आपके ऊपर असर है कि भगवान भगवान को याद कर रहे हैं, क्या भगवान के जरिए ही सब कुछ भरोसे छोड़ देना चाहते हैं, भगवान ने दिया क्या? 1.5 दशक से आपकी सरकारें भी थी, देखिए इच्छा शक्ति कहाँ थी? आप भगवान के ऊपर क्यों बोल रहे हैं? भगवान ने ये मौका दे दिया, भगवान ने, क्या ये चातुर्मास का असर है क्या आपके ऊपर? देखिए प्रताप जी भाई साहब, निश्चित रूप से सावन का असर तो होना ही चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात भी जो मैंने बोली है वो सत्य बोली है। कारण यह कि बहुत लंबे समय से लोगों की मांग चल रही थी और मैं कह सकता हूँ कि हमारी पिछली सरकार जो राजस्थान की बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले गहलोत साहब की सरकार थी, बार बार सरकारें आई और गई और निश्चित रूप से हर बार मुख्यमंत्रियों की बातचीत भी हुई, मामले उठाए भी गए, पत्राचार भी हुआ, लेकिन इस बार केंद्र में मोदी जी की सरकार है और हमारा आप ये देखिए 2014 में हमारी जो सरकार बनी थी, राजनीति की आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप राजनीति की बात कर रहे हैं। ठीक है अपनी बात पूरी कर, ठीक है सर, बात पूरी कर सर, रामेश्वर जी के पास अभी एक भी बात में नहीं गया, एक बार पराग जी मुझे बात पूरी करने दीजिए ना अपनी। ठीक है चलिए करिए अपनी बात पूरी करें, तो मैं अपनी बात तो पूरी कर दूं। ठीक है करिए, मैं कह रहा हूँ 2014 में हमारी सरकार थी तब भी हम व्यक्ति की स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर थे। मोदी जी आए 12 रुपए के अंदर 2 लाख रुपए तक का बीमा लाए, सुरक्षा की चिंता थी, तब भी 5 साल तक बनाते रहे जहरीला पानी, उसके स्वास्थ्य की चिंता, 5 साल तक जहरीला पानी पिलाते रहे, आयुष्मान योजना लेकर आए, गंभीर थे कि 5 साल तक जहरीला पानी पिलाते रहे, और अब 2024 तक हर जल से कैसी गंभीरता है योजना लेकर आए, निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है जनता के। ठीक है ठीक है रामेश्वर जी, मैं चाहूंगा रामेश्वर जी के कमेंट बीच में ले, ठीक है रामेश्वर जी बीच में नहीं बोला सर, काफी आपको मौका मिल गया, एक बार रामेश्वर जी को भी सुन लीजिए, रामेश्वर जी आपका कमेंट में चाहूंगा यहां पर। मैं हनुमानगढ़ से आता हूं, 2 करोड़ लोग और 10 जिले के पानी को पीते हैं जी, और ये 2011 से लेकर के विवाद चल रहा है, हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, एनजीटी में गए, एनजीटी ने भी अपना फैसला दे दिया, असल में बीजेपी की सरकार भी रही है, केंद्र में भी रही है और पंजाब के अंदर भी उनकी सारी सरकार रही है, कांग्रेस की भी रही है, पर ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। और आप अचंभा करेंगे कि इस पानी का असर कितना है, हमारे गांव में कुलचंद्र हनुमानगढ़ जिला हेडक्वार्टर से जो है कोई 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ हर घर में एक कैंसर का पेशेंट है और कोई ऐसा घर नहीं जहाँ कैंसर से उसकी मौत नहीं हुई, हालांकि दिल्ली तक की वहाँ जो है टीम जाके आई, उन्होंने देख के कहा आखिरकार कहा ये पानी गिरता है। असल पंजाब में बुढ़लाडा लाड़े का नाला जो है, बुढ़लाडा है उसका नाम, उसमें 850 क्यूसिक पानी आता है,
एक जो आता है 350 रामपुरा से गिरता है, और ये जलंधर की जो चमड़ा की फैक्ट्री है, चमड़े को साफ करने के लिए और उसकी चमक लाने के लिए साइनाइड जहर का उपयोग होता है, उसके साथ साथ ये सीवरेज का पानी है, और ये इस तरह से पूरा अगर आप देखेंगे, आपने दिखाया भी है चैनल में, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को इस सवाल को उठाया। ये सवाल 2 करोड़ लोगों को आने वाले भविष्य का सवाल है। निश्चित तौर से पंजाब के अंदर किसी की सरकार रही हो, केंद्र की किसी भी सरकार रही हो, बड़े बड़े कारखानेदारों को उनका जो है उस पर जो है आर्थिक जो है दबाव है, उसकी वजह से गाँव की कार्रवाई नहीं हो रही, और ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है लगा रहे हैं, असल में ये पता ही नहीं कि किसको साफ करेंगे, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, उन्होंने प्लांट लगा दिए उसको चालू नहीं करते, चालू भी करते हैं तो कौन सी किस जो है कौन सा जो है उसके अंदर साफ करते हैं, किस चीज को साफ करते हैं, ये टीट क्या करते हैं ये भी पता नहीं। असल में हमें तो अब भी भरोसा नहीं है, क्योंकि हम 2011 से लड़ रहे हैं, संत जो है सिंचेवाल ने पहले लड़ाई शुरू की थी, 20,000 लोगों को इकट्ठा किया था, अभी फिर चला है, अभी हम 5 तारीख को हनुमानगढ़ की सारे जो है उसकी तस्वीरों में प्रदर्शन करके आए हैं, अभी 9 तारीख को हमारा प्रोग्राम था कि हनुमानगढ़ में गंगानगर में इकट्ठा जिला हेडक्वार्टर पर पड़ाव डालेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, जो अगर ये अभी भाई साहब कह रहे हैं अभी जी कि जी ये मोदी जी को श्रेय जाता है, तो 5 साल मोदी जी को नींद आई थी क्या? हनुमानगढ़ नहीं, पूरे राजस्थान के 10 जिलों में 2 करोड़ लोग इसी पानी को पी रहे थे इससे पहले कांग्रेस। ये सवाल ये नहीं है, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था, एनजीटी ने किया, अभी ये जो फैक्ट्री बंद हुई है कितने दिन बंद रहेंगी, कितना साफ पानी मिलेगा? ठीक है, ठीक है, अमित जी आऊंगा, लेकिन राम सिंह जी उससे पहले आपका एक कमेंट में जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कांग्रेस पे आर्थिक दबाव है जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है सर, ठीक है, अमित जी आऊंगा। राम सिंह जी, अभी अमित गोयल जी कह रहे थे कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को पूरा श्रेय इसका जाता है, पिछले 5 साल भी सरकार रही, राजस्थान के अंदर भी बीजेपी सरकार रही, आपको लग रहा है कि राजनीति नहीं हुई इस मामले पर? मैं बार बार कहता हूं, ये राजनीति की बात करते हैं, जिस भी जब भी इतने गंभीर मुद्दे पानी से रिलेटेड होते हैं तो सिर्फ राजनीतिक बात करने के लिए चैनल पे आते हैं, न तो इनको पानी की समझ है, न पानी कहां से कितना आ रहा है ये पता है, ये सिर्फ पॉलिटिकल बात करेंगे, किसको सरे दे दो उसको सरे दे दो, ये जो डायलॉगबाजी का काम है ये काम करते रहते हैं। और जो 10 साल इनकी जो सरकार रही है, अभी कई सारी की योजनाओं के नाम बताते हैं, योजनाएं जो लास्ट टाइम आता है उस समय तक वो योजनाएं कोई कहीं एग्जीक्यूट होती नहीं है, और उस जब लास्ट मोमेंट होता है तो वो कागजों में दिखा के और उसका सरे लेने की बात करते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये एनजीटी का जो फैसला हुआ, ये सीपीएम के लोग भी इस पे काम कर रहे थे, कांग्रेस के लोगों ने भी काम किया, और हनुमानगढ़ के जिला प्रमुख शोभा सिंह ने इस मुकदमे को एनजीटी में लेके गई, और उस मुकदमे में ये फैसला हुआ, उस फैसले को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, और इसमें बहुत ज्यादा गंभीरता की जरूरत है। ये इतनी ज्यादा गंभीर बात है कि आप देखिए कि कैंसर, एक एक घर में कैंसर के मरीज हैं, ये पानी यदि आगे जाएगा तो राजस्थान के हालात क्या होगी, इसके लिए जितनी ताकत से एक साथ मिलकर काम किया जाए उतना ही कम है, और इसमें कोई पॉलिटिकल बात करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को इसमें अवेयर होने की जरूरत है, सबको कंधे से कंधा मिला मिलने की जरूरत है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे ग्राउंड पे हो। ठीक है अमित जी, देखिए मैं इसमें बहुत साफ तौर पर एक बात कह दूं जी, बार बार चैनल पर ये बात हो रही है कि ये समस्या दशकों से पेंडिंग थी, 15 साल से पेंडिंग थी, 10 साल से भी मुकदमे के अंदर गए, बहुत सारी बातें हुई है, बात ये भी हुई कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, तो मुझे इतना सा बता दीजिए कि क्या पिछले 10 साल में 15 साल में कभी ऐसा कोई आदेश आया कि 40,000 फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश हुआ? क्या कभी ऐसा हुआ केंद्र के मंत्री ने बुला के स्टेट के मुख्यमंत्री को कहा कि या तो आप ये करिए ये तो फिर अपने हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे? नहीं, एक मिनट अमित जी, यही बात है कि अमित जी रोकना चाहूंगा आपको, क्या पंजाब में बीजेपी अकाली दल की सरकार नहीं रही? अमित जी, क्या पंजाब में बीजेपी अकाली दल की सरकार नहीं रही? भाई मैं अपनी पूरी बात कर दूं, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, फिर आप मेरे को प्रश्न पूछना, करिए। मैं कह रहा हूं हर सरकार के पास बहुत सारे मामले लंबित होते हैं, आप ये देखिए, अब मैं दो उदाहरण दूंगा पीछे के, देश के अंदर 15 अगस्त 1985 को एनआरसी का समझौता लागू हुआ और वो काम नहीं हुआ, लोग कोर्ट में गए और वो कोर्ट में गए भी 10 साल हो गए, अब उस एनआरसी को कौन बना रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है पूरा उसको। तीन तलाक का मुद्दा कब का था? 1978 का था। तीन तलाक के लिए कौन काम? मोदी जी काम कर रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक नेतृत्व का बहुत बड़ा फर्क होता है कि देश किस दिशा में जाएगा। और आज जो मैंने बोली है तीन बातें,
कि किस तरह से आदमी की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार गंभीर रही है, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ आपको फिर कि फिर इस जो ये जो ये जो काम हो रहा है, ये जो पोल्यूशन वाला पानी है, जो अवशिष्ट जा रहे हैं, जो केमिकल वाला पानी जा रहा है, निश्चित रूप से प्रकृति ने और नियति ने गजेंद्र सिंह जी को एक दूसरा भागीरथ बनने का अवसर प्रदान किया, और निश्चित रूप से करेंगे इस बात को। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि इस मोदी जी की सरकार में, मान के चले, नारा नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है, निश्चित रूप से काम मुमकिन होगा। देश की जनता के एक एक व्यक्ति के जीवन की कीमत हमारी सरकार समझती है, उसके स्वास्थ्य की चिंता करती है, उसके लिए आवास की व्यवस्था कर रही है, उसके लिए शौचालय की व्यवस्था कर रही है, उसके लिए बिजली की व्यवस्था कर रही है, उसके लिए अन्न की व्यवस्था कर रही है। तो मैं निश्चित रूप से आप कह सकता हूँ, आज तक लोगों का एक्सपीरियंस राम सिंह जी का, रामेश्वर जी का एक्सपीरियंस कुछ भी रहा हो, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा सा भरोसा करके रखिए, निश्चित रूप से इस बार इस समस्या का समाधान होगा। और पंजाब के नहीं, राजस्थान के सभी 8 जिले जिनके लोग इस गंदे पानी से ग्रस्त हैं, उनको छुटकारा मिलेगा और आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहेंगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है प्रताप जी, चाहूंगा आपका कमेंट हो इस पर। बिल्कुल पराग, जिस तरह से रामेश्वर जी आऊंगा, रामेश्वर जी आ रहा हूँ, एक बार प्रताप जी रामेश्वर जी, रामेश्वर जी मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट रामेश्वर जी, मैं आता हूँ, मैं रामेश्वर जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट मुझे बोले दीजिए, रामेश्वर जी एक बार सुन लीजिए प्रताप जी को, फिर आता हूँ आपके पास। के ऊपर बोले आज अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये के ऊपर सारे के सारे झूठ बोले, पर ये आज सवाल नहीं था कि दुनिया के अंदर जो हालात है, हमारे देश के हालात क्या हो रहे हैं, कभी गरीबी की क्या हालत है। रामेश्वर जी, रामेश्वर जी भटकिए मत, भटकिए मत, रामेश्वर जी, रामेश्वर जी सुनिए 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 रामेश्वर जी सुनिए रामेश्वर जी सुनिए 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 रामेश्वर जी, रामेश्वर जी क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी, सर सुन लीजिए इनको, इनको मोती होती है ठीक है। रामेश्वर जी क्या सुन पा रहे हैं मुझे आप, ऐसे हालात में मुझ पे नहीं जाना चाहता। रामेश्वर जी, तीन परियोजनाएं हैं, भाखड़ा कैनाल, गंग कैनाल और राजस्थान कैनाल, तीनों का पानी इतना है। मैं समझता हूँ रामेश्वर जी पीछे से भटक रहे हैं, किसान पर चर्चा कर ले रामेश्वर जी, ये मैं कह रहा हूँ किसान पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसान के लिए डिबेट भी करिए, जो काम रामेश्वर जी नहीं आज तक किसान के लिए क्या आवाज नहीं पहुंच रही सर आपको, क्या हालत है उसको बताएं आप लोग। ठीक है राम जी, राम जी आवाज बंद कर देंगे, डेढ़ डेढ़ गुना बदल का मुआवजा मोदी जी दे रहे हैं। अरे अभी जी सुनिए सर, अभी जी आज तक का आवाज पहुंच रही आप सवाल हमें तक पहुंच रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, प्लीज सर बात कर रहे हैं आप, बोल रहा हूं आप में बीच ठीक है रामेश्वर, लेकिन आप रामेश्वर जी अजय अजय रामेश्वर जी, रामेश्वर जी, रामेश्वर जी सुनिए सुनिए, आवाज आवाज नहीं पहुंच रही, ऑडियो में चाहूंगा एक बार डाउन कर दीजिए ताकि प्रताप जी को सुनेंगे तो खुद खुद चुप हो जाएंगे। ठीक है ठीक है प्रताप जी, प्रताप जी मानना है कि जैसे अमित ने कहा कि ये मौका जो है गजेंद्र सिंह शेखावत को मिला, इसके साथ सवाल भी खड़े कर देते हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों में दो बार सरकारें आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वसुंधरा राजे की सरकार आई, इसका मतलब उनमें इच्छा शक्ति नहीं थी, उनमें वो मादा नहीं था कि पंजाब के ऊपर दबाव बना के उस जहरीले पानी को बंद करवा सके, उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया, दबाव नहीं बनाया, एक तो ये इसका गुनाह तो किया ही वहां के, निश्चित तौर पर एक राजस्थान की जनता और 10 जिलों की जनता विशेषकर ये एक नरेंद्र मोदी सरकार को और गजेंद्र सिंह को धन्यवाद देना चाहेगी, आखिर में उन्होंने उस सेंसिटिविटी को समझा, उस संवेदनशीलता को समझा, उन्होंने वहां की जनता की आवाज को समझा, उन्होंने समझा कि किस तरह से जहर उनको परोसा जा रहा है, किस तरह की हालात उनकी बन गई है, निश्चित तौर पर ये उनके लिए। लेकिन सवाल खड़े करता है आखिर में, क्या राजस्थान की जनता हमेशा क्या किसी भगवान के लिए इंतजार करती रहेगी, क्या राजस्थान की जनता अपने नेताओं पे भरोसा नहीं करे, क्या राजस्थान का नेतृत्व तो ऐसा है पोचा है कि उसके हितों के रक्षा करने वाले उसके नेता चुपचाप बैठे रहे, क्या 20 सालों से 20 दोनों पार्टियों की 10-10 साल सरकार आ गई और कुछ नहीं कर पाई, पूरे के पूरे नेतृत्व पर, राजस्थान के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है क्या कभी कोई आवाज उठाई, कांग्रेस का इतना बड़ा संगठन है कभी कोई आवाज उठाई, आज ये रामेश्वर जी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, रामेश्वर जी जब जन आंदोलन बनता है तो बात करते हैं, लेकिन क्या माकपा ने भी कभी सोचा, देखिए वहां के लोगों के दर्द को किसी ने नहीं समझा, जब जनता खुद ही सड़क पर उतर पड़ी, जनता ने कहा कि अब हम और बीमारी नहीं चाहेंगे, जनता ने कहा आर पार की लड़ाई है, जनता ने कहा अब हम मरेंगे मिटेंगे, तब जाकर सरकारें चेतती है, नेतृत्व तो चेतता है, बड़े सवाल खड़े करता है आज इस बात पर कि अगर मान लो ये काम केंद्र सरकार ने और गजेंद्र सिंह ने किया है तो सवाल खड़े करता है राजस्थान के नेतृत्व पर, टोटल नेतृत्व पर, कि आखिर में जिनके वोटों पर, जिन लोगों के वोटों पर वो चुनकर आए हैं, जिन लोगों की रहनुमाई और जिन लोगों की राजनीति की वो बातें करते हैं, वो राजनेता कहां चले गए थे पिछले 15 सालों से, कहां चुप पड़े हुए थे, क्यों जहर पीते रहने दे गए, क्यों उनको बीमार होने दिया, क्यों ऐसी हालत बनने दी,
कि आज उन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। ठीक है रामेश्वर जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सर प्रताप जी ने सवाल किया उसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा। क्यों आप भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हुए, क्यों आप भी जन आवाज नहीं बने? नहीं, हम इसमें 2011 से लड़ रहे हैं और 2011 में संत सचिवाल ने पंजाब से शुरू किया था, हमारे लोग इसमें भी गए थे। उसके बाद जो है हमारे राजेंद्र जी और दूसरे लोग जो है हमारे उसमें गए थे गिर जी, और वो कोर्ट में भी गए थे जिसमें शोभा सिंह जी ड्यूटी भी थी, हम कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस गंदे पानी को तुरंत प्रभाव से जो है रोका जाए। उसके बाद एनजीटी ने भी किया और उन्हें निर्देश भी दे दिया, पर उन निर्देशों की पालना ने बीजेपी ने करवाई ने कांग्रेस ने करवाई। अभी अमित भाई कह रहे हैं कि हम जो है और श्रेय दे रहे हैं, कभी भगवान को देते हैं कभी जो है शेखावत जी को देते हैं। सवाल ये है सबसे पहले कि बीजेपी की सरकार थी पंजाब के अंदर, केंद्र में भी सरकार थी, उस वक्त में कोशिश नहीं हुई। हम तो कह रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे खुद के परिवार के अंदर दो परिवार आपके पास कुलचंद्र के अंदर तीन तीन लोगों की मौत हुई है। हम लगातार इस सवाल को उठाते रहे हैं, पंजाब तक गए हैं, वहां जाकर के हमारी टीम उसको देख करके आई है और अभी 22 तारीख को भी हमारे जो है कमांडर हेतराम जी बेणीवाल के नेतृत्व में हम लोग जाके आए, मैं खुद उसमें गया हूँ, जाके हालात देखे हैं। मैं जो भी कह रहा हूँ कि तीनों ही परियोजनाओं और हनुमानगढ़ और गंगानगर के लिए हालात तो और खराब है कि वहां लगातार पानी का जो है दोहन हो रहा है और उससे नीचे का पानी पूरा का पूरा बदल गया और खारा हो रहा है, जिसमें फ्लोराइड भी आ रही है, बीमारियां भी आ रही हैं। न जो है नहर का पानी ठीक है और न नीचे का पानी ठीक है। इसके अंदर विशेष तौर से राजनीति नहीं करके और जो 2 करोड़ लोगों का भविष्य है उसके बारे में सोचा जाना चाहिए, पर हमें लगता है कि इन सरकारों की प्राथमिकताएं आमजन नहीं है, इनकी प्राथमिकताएं ठीक है। आज ये सवाल पानी का है, ये कोई एक पार्टी का सवाल नहीं है, ये सवाल मुख्य तौर पर पूरे इलाके के भविष्य का सवाल है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे, ये बीमारियां देके जाएंगे या उनके भविष्य को सुमार के जाएंगे। इन सरकारों दोनों की, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की रही है। अभी जब 6 महीने पहले सरकार चली गई तो ये सड़क पे क्यों आए, उससे पहले क्यों नहीं आए जब इनकी सरकार थी? क्या अभी 6 महीने से पानी गंदा आ रहा है? पानी तो बहुत पहले गंदा आ रहा था और पानी गंदा ही नहीं, जहर आ रहा था, पर इनकी ये प्राथमिकता नहीं थी। अभी कह रहे हैं जी ये तो कुदरत से हो गया, ये तो हो गया, सवाल कुदरत नहीं, ये पानी के अंदर जहर भगवान ने नहीं मिलाया। अमित जी, अमित जी आऊंगा आपके पास, लागू नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और एनजीटी ने दिया था।